हेलो फ्रेंड्स, सीएमसीएटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार आप सबके सामने इसी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से लिया गया है, जो आपको इफ इल्स स्टेटमेंट, तो इसे टू कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये एक यहाँ पे डिफिनेशन में दिया गया है, यहाँ पे दिस इज आवर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट अलाउज द सेलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट ब्लॉक्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये एक आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो आपको जो ब्लॉक स्टेटमेंट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट जो लिखा है वो आपको कंडीशन के फॉलो करके कंडीशन हिसाब से आपको एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, एक इफ कंडीशन होते हैं, दूसरा इल्स कंडीशन होते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपको इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। जरूरी नहीं है कि कंडीशन ट्रू होगा, आपको फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसे इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में जो भी आपको है वो क्या क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसे हम इफ ब्लॉक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, हम इफ ब्लॉक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे हम कह सकते हैं हम इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, ई एल एस ई, इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, ये आपको इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ये टू कंडीशनल स्टेटमेंट है। जितने सारे आप जो प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो आउटपुट लेना है, जैसे ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना, इवन का प्रोग्राम बनाना, जैसे ग्रेटर का प्रोग्राम बनाना, स्मॉलर का प्रोग्राम बनाना, जैसे पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले कराना, निगेटिव नंबर डिस्प्ले कराना, ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम सब हम क्या कर सकते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट हम यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये जो है एक आपको ये इफ इल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। ठीक है, और ये आपको डिफिनीशन है, जो आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जो टू कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो कंडीशन फॉलो करके क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू रहा तो आपको ये आपको टू ब्लॉक स्टेटमेंट अर्थात ई ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो आपको फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट यानी कि इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हम एज पर एग्जाम्पल एक टू लिए है, अगर ए मान लीजिए एक वेरिएबल है, एक अगर ए का वैल्यू अगर 32 से ग्रेटर है तो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, पास एग्जीक्यूट होगा। जरूरी नहीं है कि कंडीशन ट्रू, फॉल्स भी हो सकता है, तो क्या होगा, फेल एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं इफ इल्स में, जिसमें एक हम मार्क्स हम परसेंटेज में हम इनपुट करेंगे और वो क्या होगा, स्टूडेंट अगर 32 से ग्रेटर है तो पास होगा या फिर 32 से लेस है तो फेल होगा। इसमें दो कंडीशन है, एक आपको पास, दूसरा फेल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडर फाइल यूज करना होता है। तो हैच इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो ये आपको stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो आपको क्या होते हैं, जितने इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं सब हेडर फाइल में डिक्लेरेशन होता है stdio.h हेडर फाइल में। ठीक है, जब तक हम stdio.h फाइल नहीं देंगे तब तक आपको जितना सारा इनपुट आउटपुट फंक्शन है कभी भी वर्क प्रोग्राम में नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे। तो सेकेंड में है आपको हैच इंक्लूड, ठीक है, conio.h। ठीक है, तो ये conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जितना आपको जो है कंसोल मॉनिटर, जैसे CLRACR है आपको, जैसे GitCH है, वो सब फंक्शन आपको conio.h हेडर फाइल में एग्जीक्यूट है। हमें रिक्वायरमेंट हिसाब से जो जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में उस हिसाब से हमें क्या करना होता है, तो हेडर फाइल यहाँ पर यूज करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। तो जब भी हेडर फाइल हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें मेन फंक्शन देना होता है। void एक आपको रिटर्न टाइप है, ये मेन एक फंक्शन है। आप जब भी प्रोग्राम हम रन करते हैं या फिर कंपाइल करते हैं तो वो आपको मेन फंक्शन से ही क्या करते हैं, बिगिंस स्टार्ट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं या कंपाइलिंग बिगिंस होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू, आगे हम ई ब्रेसेज देंगे। ये एक ब्रेसेज है जो आपको मेन फंक्शन का ब्रेसेज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन फंक्शन का बॉडी है। ठीक है, जितने सारे हम कोड लिखेंगे प्रोग्राम को, इतने सारे हम सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं तो मेन फंक्शन के ही अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको मेन फंक्शन का बॉडी है। अब इसमें हम कोड लिखते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इंट, इंट भी ले सकते हैं और प्लॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए प्लॉट हम पी आर ले रहे हैं, यहाँ पे पी ए आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, प्लॉट एक आपको डेटा टाइप्स है, जो आप पी आर एक वेरिएबल है, प्लॉट टाइप वेरिएबल है जो डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और ये आपको जो है फोर बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे CLR SER एक आपको, ये भी एक छोटा सा फंक्शन है जो आपको क्या होता है, तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन क्या करते हैं तो क्लियर करते हैं, जितने प्रीवियस आउटपुट है सबको इरेज करते हैं। तो आगे चलें, हम क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिंट ऐप यूज़ करेंगे, इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज, हमें क्या करना है, एक मार्क्स लेना है, परसेंटेज में हमें क्या करना है, हम परसेंटेज हमें इनपुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश एन क्लोज ब्रैसेज सेमीकोलन। ये है आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, जिसमें इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज जस्ट एक आपको स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है या स्ट्रिंग कंस्टेंट है भी कह सकते हैं, जो आपको जब भी हम रन करते हैं तो क्या होगा, ये जस्ट मैसेज क्या होगा वहाँ पे प्रिंट होगा। स्लैश एन क्या है, आपको एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है, जो न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, और जब भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डबल कोटेशन में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये सेमी कॉलन जो है, तो जब भी आपको जितने सारे सी का प्रोग्रामिंग, जब भी जितने सारे स्टेटमेंट होते हैं, सब स्टेटमेंट क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं सेमी कॉलन से। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको, प्लॉट पर आपको स्टेटमेंट है, ये आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये आपको क्लोज हुआ है सेमी कॉलन से, CLR SER फंक्शन यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पर भी क्लोज है। तो जितने सारे सी प्रोग्रामिंग का आपको स्टेटमेंट है, सब क्या होते हैं, सेमी कॉलन से क्लोज होते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्कैन अप करते हैं, ठीक है, स्कैन अप करते हैं। तो जब भी यहाँ पे प्लॉट पी आर दिए हैं या इंट भी दे सकते हैं, अगर यहाँ पे इंट देंगे तो आपको यहाँ पे परसेंट डी आइडेंटिफायर यूज़ करना होता है, पर यहाँ पर प्लॉट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट एफ क्लोज कॉमा एम परसेंट क्या होगा, यहाँ पे एम परसेंट पी ई आर, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको, ये आपको केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, कभी भी आप यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में, जब जहाँ पे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग एक्सप्रेशन सब में आप दे सकते हैं, मैसेज सब में आप दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में या किसी भी फंक्शन में या आपको हेडर फाइल में या मेन फंक्शन में वेरिएबल में आपको यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर कभी भी नहीं देना है, क्योंकि ये आपको सी प्रोग्रामिंग के सेंसिटिव प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट सी एस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम ऊपर ला दें। अब जब भी अल्ट एफ नाइन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपको सक्सेस है, आपको एरर नहीं है। जब भी कंट्रोल एफ नाइन करते हैं तो यहाँ पे इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज 45 करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 45 इनपुट हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इफ इल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब इफ पी ई आर, क्योंकि पी ई आर एक वेरिएबल है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, अगर पर से पी ई आर 32 से ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एप क्या होगा, यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अगर 32 से अगर परसेंटेज हम इनपुट करेंगे 32 से ग्रेटर है तो क्या होगा, वो पास होगा। जरूरी नहीं है कि 32 से ग्रेटर होगा, आपको लेस भी हो सकता है। तो अगर 32 से जब लेस होगा, डैट मीन्स अगर पहले का ये कंडीशन आपको ये फॉल्स हुआ, तो फॉल्स जब भी होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे इल्स में पार्ट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ELSE इल्स क्या होगा, यहाँ पे PRINT प्रिंट एप क्या होगा, यहाँ पे फेल होगा, ठीक है, FAIL फेल होगा। तो ये है आपको इफ इल्स कंडीशन का स्ट्रक्चर, और जिसे टू कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन, एक इफ कंडीशन, दूसरा इल्स कंडीशन। जो इल्स कंडीशन, इल्स जो है आपको कंडीशन फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर इफ पी आर इज ग्रेटर देन, ये एक्सप्रेशन जो है आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये आपको ये आउटपुट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ का स्टेटमेंट को आपको ट्रू स्टेटमेंट भी, ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं, और इल्स को क्या कहते हैं, फर्स्ट ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। ये आपको ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, ये आपको फर्स्ट ब्लॉक स्टेटमेंट। चलिए एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, सक्सेस है।
कंट्रोल एफ9 करें यहाँ पे, मान लीजिए हम क्या करते हैं 56 करते हैं, यहाँ पे क्या है पास है, ठीक है। फिर ऑल्ट एफ9 करते हैं, फिर कंट्रोल एफ9 करते हैं, चलिए 80 पॉइंट क्या करते हैं हम 12 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पास है, ठीक है। ऑल्ट एफ9 करते हैं, फिर हम कंट्रोल एफ9 करते हैं, मान लीजिए हम 23 करते हैं, तो यहाँ पे क्या है फेल है। तो इस तरह हम प्रोग्राम बना सकते हैं टू कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करके, आपको इफ इल्स स्ट्रक्चर यूज़ करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे ब्रेसेज भी दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे ब्लॉक जो है ई ब्लॉक के लिए आप ब्रेसेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि ये आपको इफ स्टेटमेंट का, ये ई ब्लॉक स्टेटमेंट का ई ब्लॉक स्टेटमेंट है, और ये आपको इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपको क्या है इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट है, देने से भी होगा नहीं देने से भी सेम वर्क करेगा करेंगे। तो ऑल्ट एफ9 करें यहाँ पे, कंट्रोल एफ9 करें, तो मान लीजिए हम 34 करते हैं तो क्या होता है पास होता है। तो इस तरह हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में ई फिल्स स्टेटमेंट यूज़ करके हम बहुत सारे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें, और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक के मार्फत आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।